नमस्कार अर्गस सुपरफास्ट को स्वागत करछु मु स्वप्ना आरंभ करबा खबर अभियान ढेंकानाल जिला तुमु सिंगा थाना मोहुल डगर गांरे हाथी आतंक विलंबित राति रे घरे पसी 5 वर्षर शिशु को कच्चाडी मारिला दंता अल्पके बर्तिले बापा मां मृत शिशु जणक हेउछंती रसानंद जरेईंको पुओ ऋषि जरेई रसानंद तांको स्त्री ओ पुओंको सह घर बारांडा रे सोइथिबा बेले दंता हाथीटी घरे पसी आस्थिला बापा मां दौड़ी पळाइथिबा बेले शिशुटी को कच्चाडी मारिथिला हाथी गाँ लोकों को खबर देबा परे सेमाने हाथीटी को घोड़ाइथिले दंता हाथीटी गाँर आउ चारि जणक घर भांगिबा परे वन विभाग कर्मचारी पहुंची हाथी को घोड़ाइबा सह शिशुर मृतदेह उद्धार करी व्यवच्छेद पई पठाइछंती तबे गाँरे शोकाकुलर परिवेश सृष्टि होईछि। संपर्कित अधिक सूचना देवे पर्जंग्राम प्रतिनिधि सूर्यकांत बेहरा आम सहित फोन इन जोड़ी होती तेज सूर्यकांत संपूर्ण घटनाटी कौन थिला एवं वर्तमान हाथी गतिविधि उपरे नजर रखी कि वन विभाग निश्चित पक्षे स्वप्ना जदि कल विलंबित रात पाखापाखि एगारटा समय हे राति प्राय से शिशुटी माँ और बापा सहित शुवा बेले दंता हाथी घर भितर को पशि जाइए पशिया बेले बापा माँ जदिओ से खसी पलाइले तो शिशुपुत्र जापार ना जहाँ को कचाड़ी मारी दंता हाथी तो फल घटनास्थल ही मृत्यु होता तो बापा माँ पार्टी करते गाँव लोक मिलित भाव में वन विभाग को खबर देते खबर देवा पर वन विभाग पहुंची हाथीटी को घोड़ेला तो हाथीटी पाख जंगल जहाँ सूचना रही शव व्यवच्छेद शिशुटी को कामाख्यानगर उपखंड चिकित्सालय को पठा जाए। तबे सूर्यकांत एटी प्रश्न उठुची बारंबार एबोली घटना घटुची वन विभाग प्रतिक्रिया कौन आसुची वन विभाग अधिकारी माने कौन कहउचंती एबोली बारंबार दंता हाथी शिकार हेउचंती एवं मनीष माने मृत्युबरण करचंती निश्चित पक्षे से मोहुल नगर गाँव टी एक बड़ जंगल घेरा आदिवासी अंचल अटे तो से बारंबार हाथी उपद्रव लगि रोते वन विभाग कौन पक्षे स्थायी प्रतिकार करूना एमती कि किदिन तले घर भांगी आसबावपत्र नष्ट तो आज घटना पुनरावृत्ति होती तो कौटी ना कौटी वन विभाग हाथी उपद्रव रोकवा दिगरे कौन ठोस पदक्षेप ने जो कि बारंबार हाथी आक्रमण में शिकार होती ग्रामवासी निश्चित भाव सूर्यकांत आपण जहाँ सूचना देउथले ढेंकानाल जिला तुमुसिंगा थाना मोहुल डगर गाँव में हाथी आतंक विलंबित राति रे घरे पसी 5 वर्षर शिशु पुत्र को कचाड़ी मारी दंता हाथी। धन्यवाद सूर्यकांत आपण समस्त अपडेट पाई। आज राज्यर केतेक अंचल वर्षा होबार संभावना रही आसंता 36 घंटा भितर वर्षार संभावना रही तेज आसवा एक बड़ खबर उपर विजिलेंस दल में आउ जे सरकारी अधिकारी रवि नारायण पृष्टि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डर चीफ इंजीनियर रवि नारायण पृष्टि को जेरा कर विजिलेंस राज्यर 7 जगार चढ़ाऊ कर विजिलेंस भुवनेश्वर पटिया जगमरा खंडगिरी नयापल्ली श्रीक्षेत्र निवास और गंजाम गोटे स्थान में चढ़ाऊ हो एही रेड रे 8 जण डीएसपी 4 जण इन्स्पेक्टर 5 जण एएसआई समेत अन्य अधिकारी सामिल अछंती। रेड बेले पुरी भुवनेश्वर नखरा रे गोटिए लेखाएं खंडगिरी रे गोटिए दुकान खोर्धार तीनोटी स्थान रे तीनोटी प्लॉट सह 70 लाख टंकार बैंक डिपोजिट दुईटी बाइक गोटिए कार और पाखापाखी 335 ग्राम सुना गहना जबत होईछि। यूपी चलित निर्वाचन एक साधारण निर्वाचन नुहे यह आगामी 25 वर्ष पर यूपी भाग्य निर्णय कर एक केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह काली आउ आज दुई दिन धरी यूपी बुलंदसर अंचल लगातार निर्वाचन राली करुछंती केन्द्र गृहमंत्री टार्गेट यूपी बीजेपी मुख्य प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी सपा और बसपा शासन समय राज्य में कौन विकास होता आउ बीजेपी शासन में योगी आसवा पर कौन विकास होता पुणी भोटरों को मन पक अमित शाह आज गोटे दिन में बुलंदसर समेत गाजियाबाद और अनूप सहर अंचल निर्वाचन राली कर शाह उत्तर प्रदेश का भाग्य निश्चित करने वाला चुनाव मेरे सामने जो युवा है उनको मैं कहने आया हूं कि आपने ये 15 साल सपा बसपा बसपा सपा बहन जी और पति
सरकारों ने उत्तर प्रदेश को बहुत पिछड़ा बनाकर छोड़ा। मैं आया था 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, यहां के लोग माफियाओं से डरते थे, यहां बहन बेटियों माताओं का सम्मान नहीं था, आए दिन अपना नीच करते रहते हैं। मुझे बताओ भाई वालों, आज कोई माफिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ता है क्या? पंचायत निर्वाचन पर चली जोरदार प्रचार। मयूरभंज जिला सुरुकुली ब्लॉक 52 नंबर जोन भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी बुद्धदेव पृष्टि प्रचार में लगी। बुद्धदेव निज कर्ममय जीवन में बेलून बिकाळीरु व्यवसाय आरंभ करी एबे राजनीति में पाद देछंती। लोकों सुख दुखर साथी हो ठिया हेबे बोली कहिछंती। कोरोना गाइडलाइन रे प्रचार रे लगुछंती बुद्धदेव। जो जिला परिषद त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन जिला परिषद में लड़ुचे भारतीय जनता पार्टी 52 नंबर जोन सुकुली, यार इतिहास अच्छी। ये 52 नंबर जोन रे भारतीय जनता पार्टी ये दखल रे एक दुर्ग ये दखल रे बिजू जनता दल सब बड़ बड़ प्रार्थी पराजित होती। ये टंका बल बाहुबल केबे भी काम करनी। आपड़ जानते भारतीय जनता पार्टी गोटे पार्टी जी कि गरीब लोकों पर समर्पित पार्टी। आपण मैंने देखुए आम प्रचार में भी जी लोक अच्छा प्राय आम थी सब गरीब लोक अच्छा। ये गरीब लोकंर दल जो नरेन्द्र मोदी कहते गरीब लोकंर दल से ही आम बल भारतीय जनता पार्टी बल है गरीब लोकंर दल। राज्य निर्वाचन कमिशन का आचरण विधि नियम को खुल्लमखुला उल्लंघन कला बीजेडी। गजपति जिला मोहना ब्लॉक कच्चाबाड़ी पंचायत कार्यालय मोहना 9 नंबर जोन बीजेडी जिला परिषद प्रार्थी चंद्रकांत मल्लिक जिला प्रभारी जगदीश राव समेत बहु नेता दलय बैठक करितिबा अभियोग होईछि, जार फोटो एबे सोशल मीडिया रे वायरल होईछि। यार प्रतिवाद रे मोहना जोन भारतीय जनता पार्टी कर्मकर्ता माने निर्वाचन अधिकारी तथा मोहना बीडीओ को लिखित अभियोग करिछन्ति। दलय बैठक में सहयोग कर सरकारी कर्मचारी विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को दावी कर। बालेश्वर औपदा ब्लॉक बीजेडी दलर सभापति अशोक प्रधान नाँ से दुर्नीति अभियोग। अभियोग पर पंचायतीराज विभाग मंत्री प्रताप जेना घटनार तदंत निर्देश देते। बीजेडी ब्लॉक सभापति अशोक प्रधान विभिन्न कार्य अनियमितता सह निजर क्षमता अपव्यवहार कर ग्रामवासी मंत्री को चिट्ठी लिखि। अभियोग परे पीडी रवींद्र कुमार साहू को पंचायतराज विभाग उपसचिव तदंत निर्देश देते। पीडी रवींद्र कुमार साहू 7 दिन भितर तदंत कर रिपोर्ट देवाक औपदा बीडीओ को निर्देश देते। मधुचंद्रिका करी ब्लॉक बीजेडी सभापति जी मान मधुचंद्रिका बिल किमी कम न हो बिल उठला बिल करागला ता विरुद्ध बर्तन प्रताप जेना आम आईन मंत्री विधिवत तदंत निर्देश दिए। साधारण लोक सहित संपर्क ना से जो लोक मानक सहित विकास सहित आम जोड़ी हो कथ को सही पारना से भाई लोक मैंने आज ये अभियोग आनी अभियोग 1% भी किसी सत्यता ना जो मैंने कौन से खाली गाई बुझे जातु आप गाँव को जातु आप साधारण लोक पचारे आम किसी विकास सहित जोड़ी हो कि ना ये अंचल अंचल साधारण लोक जनता सहित अच्छू कि ना। ग्रामर समस्या समाधान पर अंटा भिड़ी महिला समस्या तुरंत समाधान न वोट बर्जन करने को निष्पत्ति। एमती घटना देखा मिली अनुगुल जिला कणिहा ब्लॉक कुलई पंचायत बारुआ ग्राम से। महिला अभियोग अनुजाई बारुआ ग्रामर 2 वार्ड और 700 अधिक लोक बसवास करती किंतु ग्राम को कंक्रीट रास्ता और पानी जल भी मौलिक सुविधा ना तेणु असंतोष जाहिर कर महिला। पानी असुविधा हो रास्ता असुविधा हो सबकि तो किसी लोक अभद्र भाषा गाली कर तो किसी लोक मान ठीक राइट कथा ही कहते आम कि कहवा दरकार ना आमको पा आवश्यक निहाती दरकार सुविधा होनी आम से भोट देवुनि आम से कौज निहाती गाँव रोटे गोटे मेम्बर हिसाब से आमर एत अभोग भोट्र निम नुह 200 टाँह आमर मान निम अनुसार आम मगुचु जे आमको पा टे सुविधा हो आउ रास्ता सुविधा हो आम घर सुविधा हो। निर्वाचन प्रचार में मातिछंती सरकारी शिक्षक नियम उल्लंघन करी बीजेडी प्रार्थी गाँ गाँ बुली करुछंती प्रचार। गंजाम जिला कवि सूर्यनगर बाउंसिया ग्राम से पंचायत हाईस्कल खेल शिक्षक निरंजन गौड़। निरंजन स्त्री पूर्व समिति सभ्य थिबा जोगु पेशारे शिक्षक किंतु निशा राजनीति करिबा बोली साधारण चर्चा होउछि।
तेज उक्त शिक्षकों एभली वीडियोटी वायरल होगा पर एपर्यंत शिक्षकों विरोध में कौन कार्यानुष्ठान अभियोग आजादी की अमृत महोत्सव कार्यक्रम कोरापुटर सीमा सुरक्षा बल तरफ सुरक्षा कुकुर मानकुने स्वतंत्र कार्यक्रम जयपुर एसटी जाबियर स्कूल रे आयोजन करा कार्यक्रम रे डॉग स्क्वाड तरफ कुकुर माने निजर तालीम पाइबा कौशल को प्रदर्शन करथिले। एक कार्यक्रम रे सीमा सुरक्षा बलर सिपाही माने भी उपस्थित रही छात्र छात्री को बुझाईथिले। कार्यक्रम रे कोरापुटर बीएसएफ अनेक सिपाही को सह उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल होथिले। आज विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फेब्रुआरी को विश्व कैंसर दिवस भाव पालन कर्कट रोग संपर्क में लोकों सचेतन करने प्रतिवर्ष पालन कर 2022 आभिमुख्य क्लोज द केयर गैप यार अर्थ हेउची कर्कट रोग विषय में समस्ते निज निज ज्ञान बढ़ावा सह प्रत्येक निज स्तर में किछि उद्यम कर कर्कट रोगी मानकर चिकित्सा रे मान बढ़ावा यहाद्वारा पृथ्वीर विभिन्न देश में थिबा कर्कट रोगीों पर उपलब्ध चिकित्सा सुविधार व्यवधान को धीरे धीरे कमाइ परिबा। देवोत्तर विभाग अधीन जगन्नाथ बल्लभ मठर 296.64 एकर जमी एवं जबरदखलकारी कब्जा जगन्नाथ बल्लभ मठ नाम समुदाय 563.109 एकर संपत्ति रेकर्डभुक्त होती 266.445 एकर संपत्ति मठ दखल रही अवशिष्ट 296.664 एकर संपत्ति जबरदखल होता नहीं सुएजी रिपोर्ट देखते सुएजी रिपोर्ट सामना को आसवा पर जबरदखल होता संपत्ति जबरदखल हटावाई साधारण दावी निश्चित भाव महाप्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ बल्लभ हूँ क्रीड़ा क्षेत्र से आमोद प्रमोद क्षेत्र प्रभु जगन्नाथ सब नीति सीटी है जगन्नाथ महाप्रभु एमती बहुत नीति अच्छी जैक जगन्नाथ बल्लभ ही है तेना जगन्नाथ बल्लभ संपत्ति हूँ महाप्रभु जगन्नाथ से जो जबरदखलकारी कब्जा जो जमी 296 सी एजी रिपोर्ट कहे दखल अच्छे बिल्ला निश्चित भाव राज्य सरकार ताकू आनी महाप्रभु जो संपत्ति जगन्नाथ संपत्ति फेरी दिया जाए। वर्तमान सुपरफास्ट समय एक छोट ब्रेक रो ब्रेक पर स्वागत। लुहा खुंटी उपरू जड़े मानसिक विकृत महिला उद्धार कला बालेश्वर नीलगिरी अग्निशम विभाग नीलगिरी मेडिकल सम्मुखने एक लुहा खुंट उपरकू जड़े मानसिक विकृत महिला उठी जाते स्थानीय लोके बुझाइबा पर भी से तलक ओन खबर पाई नीलगिरी अग्निशम विभाग पहुंची अति सतर्कता सह महिला उद्धार कर नीलगिरी मेडिकल भर्ती कर गिनीज रेकर्डधारी ओडिया पुओ सचिन को संबर्धित करले क्रीड़ा मंत्री तुषारकांति बेहरा नि स्ट्राइक रे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड करिछंती नुआपड़ा जिलार पुओ सचिन बेहरा 3 मिनिट्रे 204 थर नि स्ट्राइक मारी नि स्ट्राइकर भावे परिचित सचिन बेहरा एक नुआ रेकर्ड सृष्टि करी ओडिशा पाई गर्व आनिछंती या सहित पाकिस्तान रो मुष्टि योद्धा मोहम्मद रशीद को रेकर्ड भांगिछंती जो रेकर्ड करी से रेकर्ड टाइटल होती मोस्ट फुल कंटैक्ट नी स्ट्राइक यूजिंग अल्टरनेटिव लेग्स इन 3 मिनिट वेरिंग 5 kg एंकलवेट जोड़ा कि पाकिस्तान नाँ थिला से 178 करते पाकिस्तान मोहम्मद रशीद तांकर रेकर्ड को भांगिली 204 कली 204 रेकर्ड करके आम इंडिया नाँ करमर भुवनेश्वर स्थित बुद्ध मंदिर रेकर्ड अर्गानाइज होता 30 तारीख दिन सक्सेसफुल रेकर्ड आज से दिन ब्रेक होता और 204 नुआ रेकर्ड होता 4 मसर परिश्रम फल मिलला 204 थर नि स्ट्राइक करी रेकर्ड ब्रेक कली। अनुगुल जिला कणिहा स्थित तेरेंग ग्राम में भव्य राम मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव अनुष्ठित दीर्घ 40 वर्षर मर्यादा पुरुष राम मंदिर थिबाबले ग्रामवासी प्रचेष्टा सुंदर राम मंदिर प्रतिष्ठा कर उत्सव 3 दिन धरी चलता बेले कलश यात्रा नाम संकीर्तन अहरात्र होम यज्ञ प्रसाद सेवन व्यवस्था कर डेरेंगर एकता डेरेंग ग्रामर समस्तंकर भाईचारा आज आम अंचल प्रतिष्ठित होम अंचल व्याप्त हो प्रभु श्रीराम मंदिर प्रतिष्ठा द्वारा एवं आमर नेता केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान
ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବଦାନ ରହିବ ଏବଂ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆହୁରି ଭବ୍ୟ ତୋଳି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାମ କରିବା ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଉଛୁ। ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ 14 ବର୍ଷ ପରେ ଭଗବାନ ରାମ ଆସିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଡେରେଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ରାମ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ରାଜାଧିରାଜ ବେଶରେ ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏ ଗାଁବାସୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ ଏଠି ଯିଏ ଯିଏ ବି ସହଯୋଗ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତ ମୁଁ କାଲି ଯଦି ଆସିନଥାନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୋତେ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗଟା ହାତ ଛଡ଼ା କରିଲି। ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ସେତେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ସୁଦୟା ନଥିଲା, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ତଥା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ସମ୍ପାଦନା କରିପାରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଉଛି ରାମ ମନ୍ଦିର କମିଟି ତରଫରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଦ ହେଲା ଶିମିଳିପାଳ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଉତ୍ତର ଶିମିଳିପାଳର ଡେପୁଟି ଡିରେକ୍ଟର ସାଇ କିରଣ ଡିଏନ୍ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ 2 ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ଦାବିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ଦାବିରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ଆମର ଦାବି ପ୍ରଭୃତି ନାରା ଦେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କି ଆମର ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ କ୍ୟାନସଲ ହେଉ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର କୋର୍ସ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ାଇ ନାହାନ୍ତି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ବି ଆମର ଏଇନିକା। ଏବେ ସରକାର ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି କି ଏକ୍ଜାମ କରିଦେବା, 6 ମାସର କୋର୍ସ ମାନେ ବର୍ଷର କୋର୍ସଟା 6 ମାସରେ ପଢ଼େଇ ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ, ମାତ୍ର 93 ଡେଜ୍ ହେଲା ଛୁଟି ଯାହାକୁ ପଳେଇଲା ଏକ୍ଜାମ ସେ ଯାହା ମିଶେଇକି, ଆଉ 2 ମାସ 19 ଦିନରେ ଆମେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦେବୁ ପଢ଼ିଦେବୁ? ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କିଛି ବି ଚାଲୁନି, ଏବେ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ମାସରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆମର ବୋର୍ଡ ଅଛି, ଆମର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କିଛି ବି ହେଇନି, ଆମର ଏକ୍ଜାମଟା କ୍ୟାନସଲ ହେଉ ବୋଲିକି ଆମେ ଇଏ ଚାହୁଁଛୁ। ଜୋର ଧରିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ଦାବି। ଯୁକ୍ତ 2 ଶେଷ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କାଉନସିଲ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଖଲିକୋଟ ସ୍ଥିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୁକ୍ତ 2 ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଧାରଣା କଲେଜ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବି। ହେଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ଓ ଓମିକ୍ରନ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇନାହିଁ, ଏପରିକି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ନଦେଇ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅଥବା ହୋଇଥିବା ତ୍ରୟମାସିକ ପରୀକ୍ଷାର ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ମାର୍କ ଦିଆଯାଉ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି 5 ଦିନ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ, 5 ଦିନ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ କୌଣସି ଖବର ନ ମିଳିବାରୁ ପୁଣି ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ନୟା ହାଟର ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କାକଟପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ 2ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବା ଦାବିରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ମାତ୍ର 6ରୁ 7 ମାସ ପାଠପଢ଼ା ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ପରାମର୍ଶ, ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କାକଟପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କର ନଚେତ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଯେଉଁ କଥା ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମେ 10 ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଲେ ସେ ଖାଇକି ହଜମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ଦିନ ସେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ପିଲାମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଠପଢ଼ାକୁ କେମିତି ସେ 2 ମାସ ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଅନଲାଇନ୍ କଥା ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ 85% ପିଲାଙ୍କ ଆଣ୍ଡରଷ୍ଟେଣ୍ଡ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ନାହିଁ। ଆମ ଦାବି ହେଉଛି କ୍ୱାର୍ଟାଲି ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଆଯାଉ, ପିଲାଙ୍କର ମାର୍କ ଦିଆଯାଉ, ୟାକୁ ନେଇକି ଆଜି କାକଟପୁର ଅସ୍ତ୍ରଙ୍ଗ କୋଣାର୍କ ସବୁ ଜାଗାର ଛାତ୍ର ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ। ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣିବେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ମାନେ 28 ଜୁଲାଇ 2021ରୁ ତାପରେ 8 ଜାନୁଆରୀ 2022 ଯାଏ ଆମ କ୍ଲାସ ହେଲା,
ମାନେ କ୍ଲାସ୍ର ତା ଦେହରେ 23 ପଳେଇ ଯାଉଛି ରବିବାର, 10 ଦଶହରା ଛୁଟି, 10 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଛୁଟି, ଏବଂ ତା ଦେହରେ ରହିଯାଉଛି କ୍ୱାର୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା 45 ମାନେ ସବୁଦିନ ଯାଇକି ଆମର ମୋଟ 79 କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି। ସେ 79 365 ଦିନର ପାଠ ଯଦି 79 ପଢ଼ାଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ ଦେବୁ? ସେ ସାର୍ କେମିତି ପଢ଼ାଉଥିବେ? କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢ଼େଇଦେବେ? ଦାବି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ କ୍ୱାର୍ଟର ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ର ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ମାର୍କ ଦିଆଯାଉ। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ଦାବି କଟକ ସାଲେପୁର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଧାରଣା। ସାଲେପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ହଟ୍ଟହଟା ହେଲେ ପ୍ରାଣୀଧୀନ ଚିକିତ୍ସକ, ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଷକଣା ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବ ଓଷକଣା ଗ୍ରାମରେ। ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରାଣୀଧୀନ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ ରାଜା ଉଦୟ ଭାନୁ ରାଉତ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ପୂର୍ବ ଓଷକଣା ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବା ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନକୁ ଆସିବା ବାହାନାରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହିତ ନିର୍ବାଚନୀ ପୁଷିଂ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ନା ରାଜନୀତି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ନରେଶ ସ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ଯିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ସେଠି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଯାଇକିରି ପିଲାମାନେ ଅଟକାଇଲେ ସେ ସେଇଠି ଘରେ ପଶିକି ରହିଗଲା କେଉଁଠି। ତାପରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ କ'ଣ VSCଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଏଠିକି ଆସିଲେ। VSCକୁ ଧରିକି ଆସିଲା ପରେ ଅଟକାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ପୁଷିଂ କାର୍ଡ଼ ବାହାରିଛି। ଆରେ, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସାର୍ କହିଲେ କି ଯିବା ଆମର ଯେଉଁ SSCଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟର ବାହାରିଛି କ'ଣ କହିବି ତା ଉପରେ? ୟା ଉପରେ ମୁଁ କହିବି ଏତିକି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଥୋଇଛି, ଲକ୍ କରାହେଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପାଖ ଦୋକାନକୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ିରେ ପୋଷ୍ଟର ପକା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପରଫାଷ୍ଟରେ ସମୟ ସରିଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।